जीएसटी फर्स्ट रिटर्न। आई अप्लाइड फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑन 15 सितंबर 2021 आफ्टर क्रॉसिंग द थ्रेशहोल्ड लिमिट ऑन 23 अगस्त 2021। आई एम नॉट एबल टू सेलेक्ट द रिटर्न पीरियड ऑफ अगस्त 2021 ऑन माई रिटर्न डैशबोर्ड। व्हाई एंड हाउ शुड आई शो डिटेल्स? दोस्तों, मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ और बिजनेस करते समय मेरे को 23 अगस्त 2021 को सपोज मेरी थ्रेशहोल्ड लिमिट क्रॉस हो रही है, जब मेरे लिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी हो जाता है। जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि जब आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसके लिए आपकी जो थ्रेशहोल्ड लिमिट है वो है 39 लाख। जी हाँ, जब आपकी सेल की लिमिट 39 लाख क्रॉस कर जाती है तो आपको एप्लीकेशन फाइल करनी होती है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। नॉर्मली थ्रेशोल्ड लिमिट आपने 40 लाख सुनी है, 40 लाख की लिमिट है, लेकिन 39 लाख की टर्नओवर क्रॉस होते ही आपको एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। तो सपोज 23 अगस्त को मेरी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो गई, लेकिन उसके बाद मैंने अपनी एप्लीकेशन फाइल करी और मेरे को जीएसटी रजिस्ट्रेशन 15 सितंबर को मिला। क्वेश्चन यह उठता है कि 23 अगस्त 2021 से लेकर के और 31 अगस्त 2021 तक की जो सेल मैंने की है वो मैं अपने रिटर्न में कैसे दिखाऊंगा, क्योंकि आपको चूंकि रजिस्ट्रेशन 15 सितंबर 2021 को मिला है तो आप जब रिटर्न फाइल करने जाते हैं तो जब सेलेक्ट पीरियड करेंगे तो सेलेक्ट पीरियड में वो अगस्त मंथ को रिफ्लेक्ट नहीं करता। दोस्तों, इन्हीं सभी प्रैक्टिकल इश्यूज के बारे में हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब आपने अगस्त सितंबर के महीने में आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला है तो आपको अगस्त महीने में आपको डैशबोर्ड शो नहीं करेगा, आपका रिटर्न का डैशबोर्ड अगस्त 2021 का पीरियड को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तब तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ सितंबर महीने के ही पीरियड को आप सेलेक्ट करेंगे और जो भी आपने इनवॉइसेज 23 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2021 के बीच में आपने इशू किए थे उन सभी इनवॉइसेज की जानकारी आप सितंबर मंथ की इनवॉइसेज के साथ सबमिट करेंगे, क्योंकि ये आपकी फर्स्ट रिटर्न होती है। तो जैसे सितंबर 2021 की जो रिटर्न जाती है वो जाएगी आपकी अक्टूबर 2021 में, तो जब आप अक्टूबर महीने में सितंबर महीने की रिटर्न को फाइल करेंगे तो अगस्त महीने की जो 23 अगस्त से लेकर के और 31 अगस्त तक के जो बिल्स हैं, जो बल्कि हम ये कहेंगे कि जो 15 सितंबर तक के जो बिल्स हैं उन सभी बिलों को आप सितंबर महीने की जीएसटी की रिटर्न के अंदर सबमिट करेंगे। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जो आपने जिन बिलों पे आपने जीएसटी क्लेम किया, जब आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी, आपने जीएसटी के इनवॉइस इश्यू करने शुरू कर दिए, तो आप उनको अपने जीएसटी रिटर्न में शो ना करें। ये आपका वायोलेशन ऑफ लॉ होगा और आपके ऊपर हैवी इंटरेस्ट और पेनल्टी भी लग सकती है। तो अगर आपने जब एप्लीकेशन फाइल की रजिस्ट्रेशन की, जब आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो गई, उसके बाद से जिस दिन तक आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिलता है उस दिन तक के बीच के जितने भी आपने इनवॉइसेज जनरेट किए हैं उनको आप अपनी पहले रिटर्न में, पहले महीने की रिटर्न के अंदर शो करा सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि थ्रेशोल्ड लिमिट के बाद यदि कोई इनवॉइस जनरेट हुई है तो उसको हमें कैसे ट्रीटमेंट देना है अपनी जीएसटी की रिटर्न के अंदर। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट, आपको जानकारी कैसी लगी उसके बारे में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।